नमस्कार, मैं अश्वरी कुमार। जयपुर की कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगातार बिगड़े हालात आपके हमारे सामने हैं। आखिर इस तरह के हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों कानून व्यवस्था विफल होती जा रही है। सोमवार को महेश नगर इलाके में जब एक महिला की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है। कुछ घंटों पहले एमआई रोड पर एक शख्स को लूट लिया जाता है। उसके बाद फिर से ये सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से जयपुर में कमिश्नरेट का गठन किया गया था, जिस मकसद से कमिश्नर को लगाया गया था, क्या आज वो मकसद कामयाब है। जयपुर में कानून व्यवस्था को किस तरह से मुकम्मल किया जा सकता है, किस तरह से बहाल किया जा सकता है, ये भी सवाल यहाँ खड़ा होता है। साथ में सवालों की लंबी फहरिस्त है। आपकी राय के साथ, खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए खास पेशकश बिग फाइट लाइव में, खून खून जयपुर। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता बसंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और पूर्व आईपीएस अधिकारी सीवी शर्मा जी इस बातचीत के दौरान हमारे बीच मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर की सूरत इन दिनों काफी बिगड़ती जा रही है। सवाल कानून व्यवस्था का है, जिसे सुधारने के लिए राजधानी को कमिश्नरेट के भरोसे छोड़ा गया। लेकिन हैरत की बात ये कि कमिश्नरेट के गठन के साथ ही शहर में आपराधिक वारदातों का सिलसिला भी तेज हो निकला, लेकिन कई सालों बाद भी इन्हें रोकने का तोड़ जयपुर पुलिस निकाल नहीं सकी। सोमवार को महेश नगर में दिन दहाड़े कुछ लोग महिला को घर में घुसकर मार गए और लूट के बाद फरार हो गए, तो मसरूफ रहने वाले मिर्जा इस्माइल रोड पर कब 4.5 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, पुलिस को पता नहीं लगता। इसके साथ ही छोटी मोटी वारदातों को अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर खाकी का वजूद शहर में कहीं नजर नहीं आता है। कमिश्नरेट की विफलता को लेकर और हाल के कमिश्नर को लेकर भी सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। बीते दिनों एक दिन में 2 बड़े प्रदर्शनों का अचानक उग्र हो जाना और पुलिस का लाठीचार्ज भी जयपुर पुलिस की विफलताओं के खाते में जोड़ा गया है। पहले गृह मंत्री नहीं होने को पुलिस की कमजोरी का कारण माना जाता था, अब गृह मंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन सुधार कहीं दिखा नहीं। एक के बाद एक वारदातें होती जाती हैं, पुलिस की तरफ से बयान आते हैं, लेकिन कमिश्नर इस तस्वीर में किसी भी पहलू पर नजर नहीं आते हैं। ऐसे में किसके भरोसे राजधानी को छोड़ा गया है, पूछना तो बनता है। बिल्कुल अहम सवाल है कि आखिर राजधानी जयपुर किसके भरोसे है। बसंत चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले बीजेपी सरकार को लोगों ने कानून व्यवस्था के नाम पर भी वोट दिया था। राजधानी जयपुर के सूरत हाल अगर बिगड़ते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सरकार इस विषय को लेकर बड़ी गंभीर है और जो 2 दिन पहले जो भी कांड हुए हैं उसको लेकर पुलिस और प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। जल्दी जिन लोगों ने ये कांड किया है वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में ये एक क्राइम का दौर चला है उसमें जयपुर भी अछूता नहीं रहा। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जयपुर की जो पुलिस है और सरकार जो पूरी जयपुर में बैठती है वो इसको लेकर बड़ी चिंतित है। आज भी इस विषय पर लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है आला अधिकारियों से, और मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी जो जिस प्रकार का क्राइम जयपुर में थोड़ा सा बड़ा है उस पर अंकुश लगेगा। क्या इतना बयान काफ़ी है आपका? नहीं, बयान की बात नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी चुनाव का समय था, पुलिस पूर्णतया चुनाव में व्यस्त रही, सरकार भी चुनाव में व्यस्त रही, और उसी कारण शायद मुझे लगता है कि जो क्राइम करने वाले लोगों इन्होंने सही समय पर ये वार किया है। उनको लगा कि पुलिस भी अभी थकी हुई है, थोड़ी सुस्का रही होगी और सरकार भी। चलिए ये कैसा बयान है, मैं इसमें जरूर आपसे बात करूंगा क्योंकि एक दर्शक हमारे साथ आपके इसी बयान के बीच जुड़े हैं। जयपुर से किशोर सहगल जी हमारे साथ हैं, बताइए। किशोर जी अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे। हाँ नमस्ते, नमस्ते सर जी, नमस्कार। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ सर जी, ये पुलिस बहुत ढीली हो गई है, बिल्कुल कुछ करती नहीं है सर पुलिस, बिल्कुल भी कुछ भी। कुछ जितने अपराध हो रहे हैं, हमारा ही मामला देखो तो हमने पुलिस में इस्तगासा भी कर रखा है और पुलिस हर बार यही कहती है कि अब हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, हर बार यही कहती है टालने के लिए कि हम अभी कर रहे हैं जी, और कुछ कर नहीं रहे बिल्कुल भी कुछ। हम डीजी के पास भी हुआ है, डीजीपी साहब के पास भी 10 बार हुआ है, हम किससे करें गुहार, कर रही पुलिस जी। बिल्कुल, मैं आज इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करूंगा कि बसंत जी कह रहे हैं पुलिस कुछ करती है तो क्या कर रही है। ज्योति जी, आप जैसे नेता जयपुर में है और कानून व्यवस्था मुकम्मल नहीं होती, क्या आप जैसे नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, विपक्ष के नाते आप सरकार को खटखटाएं, जगाएं नींद से। कमिश्नर अगर उनको अपने काम का पता नहीं है तो कम से कम उनको काम का अंदाजा हो। निश्चित रूप से अश्विनी जी, लेकिन अभी जो वसंत जी कह रहे थे कि पुलिस चुनावों में व्यस्त थी और शायद थोड़ी थकी हुई थी, तो पुलिस की वो थकान उन स्टूडेंट्स को जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे जयपुर के स्टूडेंट्स थे उन पर लाठीचार्ज के वक्त नज़र नहीं आई, उनको वो थकान। विद्यार्थी जो मित्र हैं जिनको अपना हक मांगने के लिए आज वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे समय तक, उनके ऊपर जब उनको लाठियां बरसानी थी तब उनकी थकान नज़र नहीं आई। सबसे बड़ी बात है कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि पहले हम ये सोचते थे कि घर से बाहर कोई व्यक्ति निकला है तो घर में रहने वाले लोग सोचते थे कि भाई शाम को सही सलामत घर वापस आ जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रैफिक की में कोई समस्या या कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अब तो स्थिति उल्टी हो गई, अब तो बाहर निकलने वाले व्यक्ति को भी ये डर रहने लगा है कि अगर मैं घर में पहुंचूंगा तो मुझे सब कुछ सही सलामत मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि घर जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है मैं तो यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस को भी सलाम करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी तरफ से लड़ने की भरपूर कोशिश की है। आज अगर आप देखें तो लोग अपने घर पे सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले ही कोतवाली थाने के पास में भी एक शॉप में घटना हुई और वहां पर उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, ताला टूटते उसको घर पे पता चल गया, वो घर से शॉप पे पहुंच गया, लेकिन 200 मीटर की दूरी से पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती, इन्फॉर्म करने के बाद भी नहीं पहुंच पाती। तो ये निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदार, क्या क्या कौन जिम्मेदार है इस पूरे लूपहोल की बात की जाए तो? देखिए, पहले निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही, पहले तो हम यही कह रहे थे कि वो डिपार्टमेंट किसी के पास है ही नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ वो डिपार्टमेंट पहले मुख्यमंत्री जी के पास था और एक बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय, जिसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा होता है और वहाँ के लिए कुछ कोई पॉलिसी, कोई सुधार की गुंजाइश, कोई निर्णय, कोई नीति कुछ निकल करके सामने नहीं आया। और वही स्थिति आज है कि आज गृह मंत्री जी इस बात को स्वीकार तो करते हैं कि हमारे पास कमी है, संख्या में कमी है, ये है वो है, लेकिन उसके सुधार के लिए आपने क्या प्रयास किए, क्या आपका रिजल्ट देने के लिए आपकी क्या कवायद है, आपने जो समीक्षा की है, आखिर सरकार ने क्या किया जब व्यवस्थाओं का पता लगा। उस्मान खान जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए उस्मान जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुलिस है ना, प्रशासन, ये बिल्कुल नाकारा है सर। आम लोगों को परेशान करना, आम लोगों जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग है ना, उनको परेशान करना, उनको जिन लोगों को उनको पकड़ना चाहिए ना उनको पकड़ते नहीं है, नाजायज लोगों को पकड़ना, नाजायज लोगों को सताना, सिर्फ प्रशासन का ये काम रह गया है। अब ये पुलिस से ये नाराजगी है। जयपुराइट्स, दो जयपुर के कॉलर्स हमारे साथ शुरुआत में जुड़ चुके हैं, दोनों की जो राय थी लगातार उस पर बात करेंगे। शुक्रिया उस्मान जी। निशा सिद्धू जी, आपकी राय जानना चाहूंगा क्योंकि आमतौर पर आप थानों में जाती रहती है, इत्तफाकन आपका कई बार ऐसे काम पड़ते हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो पुलिस से जुड़े होते हैं, और वहाँ आपका अनुभव क्या रहता है? देखिए, जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया तो एक उम्मीद थी कि जैसा राजधानी मेट्रो सिटी बन गया और बड़ा शहर बन गया है ये घनी आबादी वाला, और कमिश्नरेट की ज़्यादा ज़रूरत है और शायद बहुत अच्छा और बहुत बेहतर परिणाम देने वाला होगा। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं पुलिस का व्यवहार या पुलिस के कामकाज के ऊपर नज़र डालें तो उसने निराश किया है। और घटनाएं इतना तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसी भयंकर भयंकर घटनाएं हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। एक कस्टम अधिकारी मारा जाता है तो सरकार के कानों पे जूनी रेंगती है, वो हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं। वैशाली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी इतनी बड़ी घटना हो गई। तो भाई बसंत ये कह रहे थे कि पुलिस सुस्ता रही है, और अभी राजधानी के अंदर अगर पुलिस से सुस्ताएगी तो बाकी प्रदेश का क्या होगा? और फिर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की जवाबदेही नहीं है? तो इस तरह से सुस्ताने से तो किसी का काम नहीं चलने वाला है। और घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं राजधानी के अंदर, और सरकार सुस्त है, ये बात सही है। पुलिस कितनी सुस्त और चुस्त है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार सुस्त है। और दूसरी बात, हम बात करें कि सरकार की सुस्ती की 200 लोगों की जान चली जाती है दुर्गापुरा से लेके इमली वाला फाटक तक, तो सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है। तो सरकार की सुस्ती तो नजर आती है, लेकिन तब पुलिस की भी चुस्ती दिखती है। जैसा ज्योति जी भी कह रही थी, इन्होंने इशारा किया, जब हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने थे, जो बेरोजगार पढ़ी लिखी विद्यार्थी मित्र थी, जब उनको नंगा उघाड़ा करना था, तब तो पुलिस सुस्त, तब कोई ख्याल नहीं रखा गया। और कानून व्यवस्था को किस तरह से मुकम्मल किया जाता है, इसकी दो तस्वीरें वहां पर नजर आती है। जालोर से भंवर सिंह जी जुड़े, बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार उस्मानी कुमार जी, नमस्कार। मैं भगवत सिंह चौहान सियान जालोर से बोल रहा हूँ जी। सर जी, ये कानून व्यवस्था और क्या बना रखा है? रोजगार के नाम पे लाठियां बाजी जा रही है। विद्यार्थी मित्र 7-7 साल से नौकरी कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजी रोटी का संकट हो गया, वो रोजगारी तो मांग रहे थे जी। बिल्कुल अहम सवाल है आपका कि रोजगार मांग रहे थे और लाठियां मिली। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीवी शर्मा जी, क्या हो गया? जयपुर कमिश्नरेट को किस तरह से काम करना चाहिए था और कहाँ कमजोरी हो गई? देखिए, जो भी पुलिस की सफलता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल खुफिया तंत्र का रहता है, और अब ये लग रहा है कि खुफिया तंत्र की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कोई भी जुलूस आता है, पहले से जो खुफिया तंत्र से सूचना आ जाती है, जुलूस किधर आएगा, कितनी संख्या होगी, कितना क्या होगा, उस मामले में बिल्कुल फेल हो रहा है। इसमें कोई कहने में वो गुरेज नहीं है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, बाहर के यदि क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल्स को इस तरह करते हैं तो खुफिया तंत्र ये सूचना लाता है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि खुफिया तंत्र वो बिल्कुल से फेल हो गया है, और इसको वापस करना पड़ेगा। पुलिस को अपनी पैठ जमानी है तो बिल्कुल। इंटेलिजेंस की जहां तक बात आती है, क्योंकि दोनों धरना प्रदर्शन विद्यार्थी मित्रों का रहा हो या स्टूडेंट्स का रहा हो, वहां इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। पहले से पुलिस को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ी तादाद में वहां भीड़ जमा हो सकती है और किस तरह से वो उपद्रव मचा सकती है। लेकिन महेश नगर की वारदात पर मैं आऊँगा, उसको लेकर आपको क्या लगता है? उससे पहले चित्रकूट में भी हमने देखा, और उससे पहले दुर्गापुरा में भी हुआ। महेश नगर इलाके में बीते एक महीने के दौरान करीब 1 दर्जन छोटी मोटी वारदातें हुई। देखिए, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपराधों को रोकने के लिए जब तक क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी लोकल पुलिस के पास, और हर थाने से 2-3 सिपाही इस तरह के जो कि खबर नवीस हों, जो इन क्रिमिनल्स की इंटेलिजेंस ला के देते हैं, जब जाके मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि महत्वपूर्ण और सनसनीखेज जो वारदातें हैं वो भी खुलती हैं नीचे लेवल से, जो अपने पास सूचना ही आती हैं जी। एक इससे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। जो देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार का अपना तरीका है करने का, लेकिन यदि कमिश्नरेट के अंदर यहाँ से जो वाकिफ अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं, केवल उसके हिसाब से कि परिवर्तन के लिए परिवर्तन लगा दिया, लोकल डायलेक्ट को यदि नहीं समझते हैं, स्थानीय भाषा को नहीं समझते हैं, स्थानीय साइकी को नहीं समझते हैं, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये अहम सवाल खड़ा किया। एक और मैं इससे बड़ा सवाल बताता हूँ, वो है जो मैंने अनुभव किया है, लोग बाग जो बताते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास सबके CUG नंबर के टेलीफोन दिए हुए जी, लेकिन पुलिस अधिकारी टेलीफोन उठाने में अपने आप को ये मानते हैं जैसे वो छोटा हो गए जी। जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस अधिकारी के पास यदि टेलीफोन आता है, उन्होंने अपने फीड कर रखे हैं, टेलीफोन नंबर देखते हैं, अपने काम का टेलीफोन नंबर है उसको तो रिसीव करते हैं, बाकी को नहीं रिसीव करते। सीवी शर्मा जी ने दो अहम बातें हमारे साथ की, एक तो पुलिसिंग सिस्टम जो है उसके अंदर सुधार की बात हुई, और वो सुधार कैसे किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात थी कि सरकार के साथ जो तालमेल होना चाहिए महकमे के बड़े अधिकारियों का, ताकि महकमा ठीक से काम करे, वहां गड़बड़ी है। शौकत अली जी डीडवाड़ा से जुड़े हैं, बताइए। मेरा सवाल यह है कि जैसे सरकार का काम है या प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए, जी ये सरकार का काम है दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को, जी बिल्कुल विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हो जाती है जब तो गवर्नमेंट का काम हो जाता है। ये जो किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है वो गवर्नमेंट का काम करते हैं। इतने अपराध होते हैं उन पर काबू नहीं पाते। मंत्री जी का एक कुत्ता गम जाता है तो वो पूरी पुलिस उसके पीछे लग के उसको पकड़ के ले जाती है, मगर उनको अपराधियों को पकड़ने के लिए इनके पास इनको पता नहीं है। अहम सवाल है आपका। मैं लगातार इस चर्चा में इससे जुड़े मुद्दों को उठाऊंगा। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जयपुर पुलिसिंग सिस्टम को लेकर बातचीत जारी रहेगी, आखिर किस तरह से इसे सुधारा जा सकता है। भीम सिंह जी हमारे साथ बने हैं, आप बने रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे बात होगी। जिस तरह से क्राइम बढ़े हैं, नए नए तकनीकी का उपयोग होने लगा, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस को बैठकर इस पर सोचना होगा और काम करना होगा। अपराधियों में भय नहीं, उनके अंदर तो उनका विश्वास है और आमजन के अंदर उनका भय है। ये कहीं ना कहीं जो बात इनकी दोहरी नीति, इसको कहीं ना कहीं इनको ठीक करना पड़ेगा, जब जाके ये कहीं मामला बैठेगा। पहले भी 3-4 महीने पहले भी इस क्षेत्र में हुई हैं, वो मोर और लेस उस नेचर की हैं जो बाहर की गैंगें काम करती हैं। जैसे पिछले दिनों 15-20 दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में हुई थी, इन कुछ इस तरह घटना अहमदाबाद में हुई है। मोर और लेस उस नेचर की लगती हैं, मोर और लेस उस नेचर की लगती हैं। इसमें हालांकि कोई अभी वीडियो टेप या CCTV में ऐसे नहीं आए, और जो मॉडल्स ऑपरेंडी हैं वो उस तरह की लगती हैं। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस तो बाद में आती है सर, लेट तो बाद में आती है। हमने एम्बुलेंस को क्या बोलते हैं PCR को फ़ोन किया, उसके आधे घंटे बाद PCR आई हमारे पास में। हमारे आदमी यहाँ महसनगर थाने से आदमी लेके गए, यहाँ से इन्फॉर्म किया, फिर जब जाके यहाँ से गाड़ी गई है और फ़ोन PCR आधे घंटे के बाद में आई है। जो फ़ोन करता है उसका इंजाम और लगता है। फिर सेफ्टी चाहते हैं हम, हमारी और हमारे बच्चों की चाहते हैं, और क्या चाहेंगे हम। बाप भूल नहीं सकती लड़कियाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको उत्तरदायी होना चाहिए कानून प्रशासन को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, उनके गृह मंत्री कहते हैं कि पुलिस का रोल जो है वो अपराध होने के बाद आता है, तो उसके अनुपालन के शासन में पुलिस प्रशासन कर ही रहा है। चित्रकूट डकैती के बाद दूसरा ये कांड हो गया, और उसके बाद भी यदि संवेदनहीनता का परिचय देते हैं तो इसका मतलब ये कि ये लोग जो समाज कंटक है उनको संरक्षण देना चाहते हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। राजस्थान की जनता का कैसे अपराधीकरण हो सकता है, कैसे अपराधियों के भरोसे उनको छोड़ा जा सकता है, उसको अंजाम में पार्टी दे रही है। राजनीति तो हम भी कर सकते हैं। मैं खुद युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा से जिले के अंदर मंत्री हूँ, और हमने खुद ने नहीं एक वहाँ पे क्या है ना, एक हत्या हुई है, एक लेडीज की हत्या हुई है, उसको लेकर के हम लोग भी सब तरीके से वो हो सकती थी, पर हमने कोई राजनीति नहीं करके, और यहाँ पर हम एक आम आदमी की तरह यहाँ पे पुलिस से मिलने आए और हर तरीके से वो करा, पर यहाँ पे राजनीति करी, इस तरीके को हम सहन नहीं करेंगे। आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है, क्या अपराधों की रोकथाम में जयपुर कमिश्नर विफल हैं? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। दो कॉलर इस चर्चा में जुड़े हैं, भीम सिंह जी कुचामन से और अभिषेक जी जयपुर से। भीम सिंह जी पहले आपके पास आते हैं, बताइए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे ये अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन जो अपराधी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या उनका सर्वे नहीं हो सकता? क्या खासकर जो 25 साल के, 23 साल के, 24 साल के ये जो युवक होते हैं, ये ज्यादातर यही करते हैं, तो पुलिस की नजर में इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उस वार्ड के हिसाब से सर्वे तो हो ही सकता है। यदि ऐसी बातों पर लगाम लगाया जाए तो जरूर सर सुधार हो सकता है, क्योंकि खासकर ये जो संदिग्ध होते, कम से कम 80% युवाओं पर जो इस संदिग्ध अवस्था के हैं किशोरावस्था के, उन पर तो हम लगाम लगाए सकते हैं और बाकी 10% 15%। बिल्कुल, हम इस चर्चा में सीवी शर्मा जी जुड़े हैं, उनसे आपके सलाह पर जरूर बात करेंगे। अभिषेक जी बताइए। हेलो जी, मेरा कहना ये है कि पुलिस जो सिस्टम है उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है जी। उसमें क्या है कि जो एक तो संख्या बल की भारी कमी है, दूसरा जो हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, दूसरा जो पुलिस है उसमें से 30% पुलिस तो अधिकारियों के अर्दली का काम करती है जी। उसके बाद में जो थाना अधिकारी लगे हुए हैं वो उन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को पूरे को हैक कर लिया अपने स्वार्थ के लिए, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। और ये जो रोजनामता इनका जो सिस्टम चलता है ये भी अंग्रेजी शासन के अकॉर्डिंग है। लगातार पुलिसिंग सिस्टम में सुधार की बात आ रही है। शुक्रिया अभिषेक जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशा जी, जिस तरह से कॉलर्स की राय आई, मैं सीवी शर्मा जी के पास चलूं उससे पहले आपके पास आना चाहूंगा, उसमें आपको कहाँ खामियां नजर आती है जब आप पुलिस से मुखातिब होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे को जो खामी नज़र आती है उसके अलावा भी जो सबके सामने है, जो बंदी पर कारण सामने आए, बड़े बड़े आला अधिकारी उसमें आईपीएस रैंक के वो बंदी में शामिल अपराधों के इजाफे का एक कारण है। बिल्कुल, जब आप चौथे वसूली में लग जाएंगे, जब थाना के ऊपर इस तरह का कोई चेकआउट नहीं रहेगा तो जो जिस डर और खौफ की बात करते हैं, भया मुक्त करने की बात करते हैं या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने की बात करते हैं, वो कहाँ नजर आएगा? क्योंकि थाना रीढ़ की हड्डी होता है और रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर है तो आला अधिकारी कितने अच्छे स्टेटमेंट दें, जाते हुए कितनी चाय कॉफ़ी पिलाएं, उससे बात नहीं बनेगी। आम आदमी जो है उसका वास्ता थाना से पड़ता है और थाना स्तर पर ये कहीं दिखाई नहीं देता है। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप बनाने से, जैसा एक साथी का सवाल भी था कि सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ऐसा तो पुलिस ने कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप बनाए हैं, सीएलजी मेंबर्स बनाए हैं, उससे कोई अपराधों में वो ठीक से काम नहीं होता। नहीं, उससे कोई अपराधों में रोकथाम नहीं हो सकती। वो पुलिस को अपने तंत्र को मजबूत करना होगा, कैसे करेगी, कौन सी रणनीति होगी, ये पुलिस। बिल्कुल, सीवी शर्मा जी से हम इस पर बात करेंगे। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से, बताइए कृष्णा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो एक बात ये करना चाहूंगा सबसे पहले कि अपने राजस्थान की गवर्नमेंट जो है हर जगह पे विफल हो चुकी है सर, नंबर 1। नंबर 2 सर, जो गवर्नमेंट जो है इसने बड़े बड़े वादे किए अपने घोषणा पत्र के अंदर, जैसे कि माना जाए अपने राजस्थान के अंदर 3 चीजों की बहुत सेफ्टी देंगी, महिला को सुरक्षित, कोई अपने जयपुर के अंदर देखा जाए जैसे कि मान लो अभी जैसे आपके चैनल के माध्यम से देखा महेशनगर के अंदर एक हत्या हुई है, उस महिला के घर पे घुस के, महिला सुरक्षित नहीं है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर, सरकार के अगर कोई अगर बैठे हो या फिर पदाधिकारी, तो मैं उनसे यही बात कहूंगा कि वो वादे कहाँ गए? आज हमें हमारे राजस्थान में सुरक्षित महसूस नहीं है, इसका सबसे बड़ा क्या कारण? वादे कहाँ गए, बिल्कुल बात करूंगा मैं इस पर। सीवी शर्मा जी, पहले जो चर्चा थी हमारी पुलिसिंग सिस्टम में सुधार को लेकर बात थी, बसंत जी के पास आए उससे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे कमिश्नर साहब ज़मीनी हालात जयपुर के कैसे हैं उससे वाकिफ़ नहीं है, गृह मंत्री जी आ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उस पूरे सिस्टम में कोई फेरबदल हमें नज़र नहीं आता जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि गृह मंत्री बनेंगे। कटारिया जी का पहले का अनुभव भी रहा है महकमे को संभालने का, तो हो सकता है जो तस्वीर है वो बदल जाए, लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस के स्तर की अगर बात की जाए सरकार को छोड़कर अभी, तो पुलिस ने कहाँ चूक कर दी? देखिए, एक तो निशा जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है, जब तक भ्रष्टाचार पे काबू नहीं पाया जाएगा, जब तक आपकी जो भी पुलिस सुधार के कवायद हैं वो केवल कागजी रहेंगी, थोती रहेंगी। और ये जो सीयूजी सिस्टम है, जो सीएलजी सिस्टम किया था जी, शुरुआत इसकी 1997 के अंदर की थी, आरपीए में बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम करके इसका किया था। सीएलजी के चयन के लिए एक विशेष, लेकिन हालात के साथ हुआ ये, कोई भ्रष्टाचार इसके अंदर ऐसा आ गया कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं या उससे करके उनको सीएलजी का सदस्य, सीएलजी की मीटिंग के अंदर थानों का आधुनिकीकरण हो गया, थानों को जो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया, और सारे दिखावे में लग गए सब उसके अंदर, और जो सूचना तंत्र वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। थानों के अंदर मैं बता रहा हूँ वहाँ सूचना तंत्र की बात कर रहे हैं तो सूचना तंत्र को लेकर एक बड़ा सवाल ये होता है कि निचले स्तर पर जो नियुक्तियां होती है खासतौर पर जिस तरह से तैनात किए जाते हैं कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स उनका भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा, उनको जिन इलाकों की जानकारी नहीं है बुनियादी जानकारी जुटाने में मशक्कत करनी पड़ती है। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि कांस्टेबल भी उसको ये वो एक्सेसिबल यदि है उसका सीनियर ऑफिसर उससे यदि वो टेलीफोन करता है सीनियर ऑफिसर उठाता है और उसकी बात करता है जब तो देखिए अगर ये चूक आ रही है लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर इस पर डंडा किसका चलना चाहिए? डंडा शर्मा जी डंडा तो पुलिस महकमे में ही आला अधिकारियों का चलना चाहिए जी और उसके लिए पहले सबसे पहले आला अधिकारियों को करना पड़ेगा। आला अधिकारी खुद एक्सेसिबल हों। सुधार ऊपर से होने की गुंजाइश नजर आती है नीचे से नहीं। राजेश पारिक जी पीलीबंगा से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए राजेश जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले जो ये विद्यार्थी मित्रों पर सर पुलिस के माध्यम से जो हुआ जी तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि इस प्रकार ये बर्बरता पुलिस बरत रही है जी तो हमारे सर जितने भी बड़े ऑफिसर हैं पुलिस के वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे गृह मंत्री ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। तो बिल्कुल अहम सवाल आपने खड़ा किया बसंत जी, यही बड़ा सवाल है। शुक्रिया राजेश जी। कि गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जी के जिम्मे है कि वो महकमों को लताड़ लगाए अगर ठीक से काम नहीं होता, लेकिन वो बल्कि बचाव में बयान जारी करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, गृह मंत्री जी जैसा व्यक्ति तो शायद इस पूरे सरकार में नहीं है, इतने गंभीर और ईमानदार व्यक्ति है। मान लिया नंबर 2 है लेकिन क्या आप हमेशा यही गुणगान करते रहेंगे? नहीं, वो बड़े गंभीर हैं और वो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार का गलत कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। आपके संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था को लेकर है, ये कानून व्यवस्था देखिए, ये कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उससे नहीं बिगड़ी, उससे पहले से बिगड़ी हुई है। ये जो अभी जो आपने उदाहरण दिया था मैडम ने कि एक आरएस अधिकारी का मर्डर हो गया था, उसके 8 दिन तक पता नहीं चला कि किसने उनका मर्डर किया है। तो ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है ये पिछली सरकार के टाइम से बिगड़ा हुआ है। प्रशासन में जिस प्रकार के ट्रांसफर्स हुए पिछली सरकार ने किए, पुराने जो लोग खूब जैसे सीवी शर्मा साहब कह रहे थे खुफिया तंत्र मजबूत था, वो उसका कारण था। पुराने लोग आपकी सरकार है मेरी बात, मैंने आपकी बात शांति से सुनिए, कम से कम आप मेरी बात शांति से सुनिए। आपको करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। शांति से सुनते रहे बसंत जी, लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो अभी चुनाव के कारण अभी 3 साल से पुराने जो पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल भी लगे तो उनके भी ट्रांसफर दूसरे थानों में किए गए। वो एक खुफिया तंत्र का काम करते थे, जो पुराने लोग बैठे हुए थे उनके वहाँ लोकल संबंध हुआ करते थे, वो उनसे जानकारियां लाकर एसएसएच को बताते थे, अधिकारियों को बताते थे। आप वही बात दोहरा रहे हैं जो सीवी शर्मा जी ने बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है, जब आपकी सरकार है तो उसको सुधार क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग के जो डायरेक्शंस आए उसके आधार पर ये फेरबदल हुआ पुलिस महकमे में और इसको वापस अब चुनाव खत्म हो गए, अब वापस उन लोगों को वहां लगाया जा सकता है। आप मानेंगे जयपुर कमिश्नर को तैनात करने में बीजेपी सरकार से गलती हुई? जिस शख्स को जयपुर की जानकारी नहीं उसको आपने कमान सौंप दी। मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उनके काम की शैली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसी फेल्यूर वाली। मैं ज्योति जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले विक्रांत जी जयपुर से जुड़े उनसे पूछ लेते हैं वो कुछ कहना चाह रहे, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संवेदनशील विभाग है पुलिस, पूरी जिम्मेदारी इस पे होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो 2010 पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती है जो सब इंस्पेक्टर है जी, वो सारी अनियमितता से भरी हुई है। 2-3 दिन मुकदमे दर्ज हुए हैं, पर्चा लीक हुए हैं। अब ऐसे थानेदार जब फील्ड में आएंगे तो आप सोच लीजिए क्या हो जाए। चाहे मैडम से आपसे भी विनती है कि इसकी जांच करवा ली जाए, से पता लग जाएगा। चलिए अहम सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। ब्रेक के लिए लगातार कॉल मिल रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ज्योति जी के पास लौटेंगे ब्रेक से लौटते ही, और इस बात पर जवाब लेना जरूरी है कि सरकार का जो रुख है जिस तरह से बसंत जी ने जवाब दिया है उस पर क्या कहेगा विपक्ष। पुलिस प्रशासन के अंदर जो कमियां हैं उनको पूरा करने में बिल्कुल भी असक्षम है, वो कर नहीं पा रही है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्लोगन है कि अपराधियों में भय और आम आदमी में विश्वास, इसका उल्टा है, आम आदमी में भय और अपराधियों में विश्वास वाला सिस्टम है।